नमस्कार साथियों आपका चैनल आर के फाइव में फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं प्रक्षेप पर और वो भी कौन सा एक मानक अक्षांश वाला संकु आकार प्रक्षेप आपके सामने ये प्रश्न है जिसमें एक निरूपक भिन्न दिया हुआ है यानी मापनी दी हुई है एक अनुपात चौदह करोड़ पर एक मानक अक्षांश वाले शंकु आकार प्रक्षेप की रचना करो फिर जिसका अक्षांशीय विस्तार दस डिग्री नॉर्थ से नब्बे डिग्री नॉर्थ तो दस डिग्री नॉर्थ से नब्बे डिग्री नॉर्थ अक्षांश यानी अक्षांशीय विस्तार कितना है दस डिग्री से नब्बे डिग्री उत्तरी अक्षांश है एवं देशांतरीय विस्तार चालीस डिग्री पश्चिम से चालीस डिग्री पूर्वी देशांतर तो देशांतरीय विस्तार क्या है चालीस डिग्री पश्चिमी से चालीस डिग्री पूर्वी और मानक अक्षांश पचास डिग्री नॉर्थ दिया गया है और फिर अंतराल दस डिग्री दिया हुआ है तो ये बातें महत्वपूर्ण है यानी कि पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ये महत्वपूर्ण रहता है आगे के हल के लिए अब देखिए तो ये एक मानक अक्षांश वाला आकार प्रक्षेप है तो संको आकार प्रक्षेप केवल मात्र क्या है एक ही गोलार्ध में दर्शा सकते हैं अपने और मानक अक्षांश ये जो शब्द है ना ये सिर्फ आकार प्रक्षेप में ही आएगा अब देखिए हल करते हैं इसे आप सबसे पहले पृथ्वी का लघुकर्त गोला यानी कि पृथ्वी के लघुकर्त गोले का अर्धव्यास यानी कि त्रिज्या निकालोगे तो इसके लिए क्या सूत्र होता है पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास निरूपक भिन्न का निरूपक भिन्न का का हर पृथ्वी जो वास्तविक अर्धव्यास है आपको पता ही है यानी कि छ हजार तीन सौ इकहत्तर जिसको अपने किलोमीटर है जिसको अपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे यानी कि जो हमारे पास आर है वो अर्धव्यास है वो क्या रह जाएगा देखिए पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास यानी कि तिरसठ करोड़ पचास लाख सेंटीमीटर हो जाता है ये आपको ये याद ही रख लेना क्योंकि हर क्वेश्चन में प्रक्षेप में ये जरूर आएगा तो आपने मानना हुआ कितना तिरसठ करोड़ पचास लाख पूर्णांकों में ठीक है रोपक भिन्न का हर आपको ये हर कहाँ से मिलता है हमेशा ही मापनी या निरूपक भिन्न का ये हर एक हमेशा अंश होता है हमेशा एक ही रहेगा यहाँ तो हर हमेशा बदलेगा तो ये हर है इस बार चौदह करोड़ है कितना है चौदह करोड़ एक अब देखिए अपने छः जीरो से छः जीरो काट देंगे यानी कि छः जीरो से छः जीरो गई तो अपना जो आंसर आएगा ये है चार पॉइंट पाँच तीन कितना चार पॉइंट पाँच तीन सेंटीमीटर तो पृथ्वी के कृतगोले का अर्धव्यास जो है हमें प्राप्त हो चुका है चार पॉइंट पाँच तीन तो इस प्रकार इतना ही हल इसे करना है इस सीट पर अब अपने को डायग्राम सीट ठीक है तो इसका आंसर बस याद रखना है चार पॉइंट पांच तीन अपने को डायग्राम सीट पर एक इस कोने में ठीक है तो आप देखिएगा हमेशा ही ज्यादातर यही कोना यूज करेंगे अपने क्योंकि ऊपर यहाँ पर मुख्य हेडिंग आ जाएगी और इस तरफ यहाँ पर एक कच्चा चित्र आएगा और फिर यहाँ पे एक मुख्य यानी कि प्रक्षेप खुद यहाँ पे बनेगा तो एक बार प्रोजेक्शन बनाने के लिए इस कोने पे यहाँ पे एक जो है कच्चा चित्र बनाने के लिए आप रेखा खींचो कितनी चार पॉइंट यहाँ मैंने लिख रखी है चार पॉइंट पाँच तीन कितनी यहाँ से चार पॉइंट पाँच तीन यानी कि पाँच से थोड़ा सा ही ऊपर लेकिन छः से पहले रुक जाना है तो इतनी लंबी रेखा आपने इस प्रकार से रूप में खींच देनी है तो ये वर्क आप पेंसिल से करो करो तो ये ज़्यादा उचित रहेगा तो आपने अब यहाँ पे नब्बे डिग्री का क्या है इस पे कोण यानी कि यहां पर आपने ये और यहां पे आपने नब्बे डिग्री पे एक डॉट लगा देना है इससे क्या होगा कि आप एक समकोण ठीक है तो इस कोने का ही इस्तेमाल करना आपने तो मैं आपको यहाँ अब आप बताता हूं कि आपने एक इस कोने में लंबवत रेखा खींच देनी है ऊपर तक कहीं तक की खींचो भले आपकी मर्जी है यानी कि लंबी रेखा खींच देनी है अब आपने यहां पर एक वर्त का चतुर्थांश बनाना है तो यहां पर मैं पेंसिल का इस्तेमाल कर लेता हूं तो यहां पर आपने ये दूरी माप लेनी है तो इस दूरी को आपने पहले मापना है और व्रत का चतुर्थांश चतुर्थांश का मतलब होता है कि चौथा हिस्सा और ये यहाँ पे लोहे की पिन रखी कॉर्नर में और ये यहाँ पे मैं की देता हूं एक वर्त का चतुर्थांश ये देखिए चतुर्थांश कैसे दिखाई दे रहा है आपको अगर आप इसी के साथ में यहां से पूरा राउंड लगाते ऐसे तो ये क्या बन जाएगा यहां से देखिए पूरा पूरा यहां से यू राउंड लगाओगे तो ये एक पूरा वर्त बन जाएगा और ये इस वर्त का क्या है चौथा हिस्सा है तो एक वर्त यानी पृथ्वी का चतुर्थांश बनाना है आपने तो इसमें ये रेखा कितनी लंबी थी चार पॉइंट पाँच तीन और ये भी यू ही मानो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है इसी के बराबर है यानी कि जब अपने कंपास से इस प्रकार से काटा अर्क चाप तो ये बिल्कुल बराबर है ठीक है चार पॉइंट पाँच तीन तो फिलहाल अपने यहाँ पे लिख ले देते हैं कितनी चार पॉइंट पाँच तीन सेमी ठीक है अब आपने देखना है कि अंतराल कितना है तो अंतराल जितना भी हो आपने डायग्राम सीट पर ये जो सबसे पहले तो इसके साथ में ये जीरो और ये नब्बे डिग्री मिलान कर लेना है इसके बाद में आपने इससे ऊपर ठीक है तो अपना सारा काम इतने में ही, ही चलेगा अभी तो आपने अंतराल कितना बताया देखिए दस डिग्री तो ये नब्बे है तो यहाँ पे मैं दस डिग्री पे लगा लेता हूँ यानी कि अस्सी पे फिर सत्तर पे फिर साठ पे पचास पे पचास तो हमारे लिए प्रमुख है क्योंकि हमने इस पे मानक अक्षांश भी लगाना है तो पचास का विशेष ध्यान रखिएगा गौर से लगाइएगा सॉरी ये दस बड़ा थोड़ा सा तो दस 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 डिग्री के अंतराल पर आपने क्या करना है निशान लगा देने हैं चांदे की सहायता से अब आपने इस केंद्र से इस केंद्र से प्रत्येक डिग्री को मिला खींचना है तो ये दस डिग्री हुआ ये बीस ये सॉरी ये तीस ये चालीस तो यहाँ पे तो पहले ही आपने लोहे में रख ही लेनी है ठीक है सॉरी ये पेंसिल की नोक रख लेनी है और फिर इसके बाद में ही आगे की तरफ बढ़ाएं इस पर पे पेंसिल की नोक फिर स्केल को सेट किया और फिर उसकी तरफ रेखा खींच दी जो अपना बिंदु है सामने तो थोड़ा सा गैप रखिएगा ताकि पेंसिल की नोक उसके सीध में जाए तो ऐसे करते करते आपने ये दस बीस तीस चालीस पचास साठ सभी को आपने देखा खींच देनी है साठ सत्तर अस्सी तक हो गया नब्बे तक खुद खींचा हुआ था दस डिग्री अंतराल था अब बताइए क्वेश्चन में मानक अक्षांश क्या है तो मानक अक्षांश है इसके अंदर कितना पचास डिग्री तो पहचानिए पचास इसमें से कौन सा है तो ये जीरो है दस बीस तीस चालीस पचास एक बार पचास पे थोड़ा सा अपने लिख देते हैं हल्का सा ठीक है अब पचास पे आपने ये कन्फर्म हो गया कि ये पचास है तो आपने अब ये जो चाँदा है ये पचास पे रखना है पचास वाली रेखा को आधार मानकर तो मैंने आधार माना इसको और यहाँ पे बिल्कुल बीच में केंद्र में इस बिंदु को रखा और यहाँ पे मैंने नब्बे डिग्री पे देखिए बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए इसके बाद में नब्बे डिग्री पे यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया तो 90 डिग्री पे आपने जब पॉइंट लगाया तो आपने देखा कि ये इस वर्त को स्पर्श करती हुई रेखा है तो इसको अपने स्पर्श रेखा भी कह सकते हैं तो यहाँ से आप यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक आप इसको खींच देंगे तो ये स्पर्श रेखा है क्योंकि आधे वर्त इससे बाद में आधी दूरी को ये स्पर्श करते हुए जा रही है तो ये जहाँ पर काटे वो अपना पी बिंदु ये देखिए इस वर्त को तो आप कहीं भी क्या क्या नाम दो आप चलेगा ओ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे इनको नाम मैंने दे दिया अब आपने ये रफ वर्क जो है कंप्लीट करना है इसके लिए अंतराल को फिर से देखिएगा आप अंतराल कितना है दस डिग्री अंतराल यहाँ से अब मापना आपने कितना दस डिग्री इस वर्थ के अंतिम छोर पे जो दस डिग्री का जो दूरी आ जाती है उसको आपने यहाँ से माप लेना है और कंपास को उठाकर आपने यहाँ केंद्र में लोहे की नोक और इसे क्या करना है घुमा देना है तो ये लोहे की नोक में केंद्र में रख के इसको घुमा देता हूँ आपने यहाँ पर बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखना है कि इसमें कोई गलती न हो तो मैंने यहां से एक दूरी ली और यहाँ इस पे, पे इसको घुमा दिया तो इस वर्त के अंदर एक छोटा सा वर्त लग रहा है ना चतुर्थान से ये भी है तो तो, तो चतुर्थ से ये भी बन गया है अगर उसको पूरा घुमाएं तो ये पूरा एक गोल बन जाएगा गोला बन जाएगा ठीक है तो अब अपने को एक काम और करना है इसी दस डिग्री अंतराल का जो चाप काटा है आपने पचास डिग्री वाली रेखा को पहचान कर उससे ये जो ओ ए रेखा है यानी कि ऊपर की तरफ ये जो लंब है इस पे क्या करना है आपने स्पर्शक करवाना है यानी कि जहां पे ये काटे तो पचास डिग्री ये रहा इस पर मैंने रखा ये डॉट, और इसको मैंने इस तरफ डायरेक्टली ऐसे ठीक है दिखाई दे रही है आपको थोड़ा नजदीक से देख लीजिए तो मैंने यहा यहाँ पर इसे ये देखिए यहां से लेकर यहाँ तक खींच दिया है तो आपने पचास डिग्री से इस लंब के प्रति एक सितिज लंब खींच देना है अब आप देखिए आपने डायग्राम सीट के इस हिस्से में जो आपने इस दृष्ट काफी स्पेस बचा के रखा है ठीक है तो इसको अब अपने रियल जो इसकी शेप है उसमें मिल जाते हैं ये देखिए इस प्रकार से आपने यहाँ पर क्या करना है एक रेखा खींचनी है ऊपर से नीचे की तरफ ठीक है ऊपर इतना स्पेस रखना जितने में मतलब आप हेडिंग लिख सको तो ये देखिए इतना स्पेस मैंने छोड़ रखा है तो यहाँ से आपने एक रेखा खींच दी है और अब आपने कंपास के माध्यम से दूरी भरनी है अब कौन सी दूरी भरनी है आपको ये दूरी भरनी है जो पी पी से लेकर इस पी से लेकर इस जी तक यानी पचास डिग्री जो मानक अक्षांश था यहाँ तक की दूरी प्रकार में भर लेनी है तो पहले इसको हमने यहाँ पे लोहे की नोक रख लेनी है तो ये देखिए इस पी पे मैंने जहाँ पे क्रॉस हुआ है वहाँ पे लोहे की नोक रख ली है और अब मैं इसको माप रहा हूँ तो मैंने इस पर ठीक है तो यहाँ आप देखिए पचास डिग्री को पूरा मैंने यहाँ से माप लिया है ठीक है बिल्कुल एक्यूरेसी रखिएगा जब इसको माप लिया है तो आपने क्या करना है यहाँ से एक चाप काट देना है तो आपने एक चाप पचास डिग्री का लगा दिया है तो इसको पहचान के लिए आप यहाँ पे लिख दो कितना पचास ठीक है तो अब आपने देखना है कि अंतराल कितना था प्रश्न में देख सकते हैं आप अंतराल कितना है दस डिग्री विस्तार बताइए आप ये पचास डिग्री अक्षांश है तो अपने को ऊपर की तरफ कितने अक्षांश दिखाने हैं नब्बे तो ये जीरो ये दस से लेकर नब्बे तक दिखाना है नॉर्थ अक्षांश तो ये तो पचास है तो अब अपने को साठ सत्तर अस्सी और ये नब्बे तो यानी कि तीन यहाँ पे एक खुद हो जाएगा तो चार ऊपर इन तीन निशान लगाने आपने तीन निशान लगाने ठीक है और नीचे की यहाँ पचास से नीचे कितना होगा पचास से नीचे यहाँ पे चालीस होगा तीस होगा फिर बीस होगा फिर दस होगा तो चार निशान नीचे की तरफ लगानी है तो अब ये निशान लगेंगे कहाँ से तो आपने फिर से प्रकार में ये दूरी जो बी सी की दूरी यानी कि दस डिग्री अंतराल की जो दूरी है ये आपने इसमें भर लेनी है। दूरी प्रकार में आपने भर के प्रकार को यहां से दोबारा माप लेता हूं यहां से उठा के और इससे ऊपर की तरफ एक दो तीन और नीचे की तरफ एक दो तीन और सॉरी चार ठीक है चार निशान नीचे की तरफ लगा देने तभी तो ये पचास है तो फिर ये चालीस तीस बीस और दस और अपना विस्तार कितना है दस से लेकर नब्बे तक तो ये नब्बे के बीच में जो एक्स्ट्रा गैप रहेगा ना पटा लेने दो भले ये अपना अस्सी होगा ये सीधे डायरेक्ट नब्बे होगा जो पॉइंट मिल रहा है ठीक है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती अब यहाँ से मैंने लोहे की पिन रखी ऊपर की तरफ ठीक है और जो जो बिंदु इस पे लगे हुए हैं वहीं पे उस उसी को वहीं से दूरी में लगाया और थोड़ा सा ही घुमा दिया ज्यादा नहीं ठीक है थोड़ा ही आपने क्या करना है घुमा देना है फिर मैंने ये कितना है अस्सी तो ये कितना है सत्तर सत्तर वाले को फिर से प्रकार में वही दूरी के निशान लगाना है और फिर इसको घुमा देना है फिर आपने देखना कितना ये और ये भी आपने घुमा देना है फिर पचास के बाद में ये देखिए आप चालीस पचास तो लगाई हुआ है पहले से ही ठीक है तो चालीस वाले को भी घुमा देना है एक बार एक्स्ट्रा घुमा दीजिए तो ये और जब बाद में इसको ब्लैक पेन से फेयर करो ना तो अभी प्रकार के अंदर मार्केट से ये दो रुपए का जो पेन आता ना बिल्कुल सिंगल जिसमें रिफिल नहीं होती खुद ही रिफिल होती है ठीक है तो वो ब्लैक कलर का लेना दो तीन रुपए का चार रुपए का होगा ठीक है तो वो इसमें आप लगाइएगा और फिर खींच खींच देना ठीक है अब देखिए आपको देशांतर कैसे खींचने हैं देशांतर खींचने के लिए आपको लंब ये ये, ये जो लंब मैंने एक बनाया था जो पचास डिग्री से लेकर इस मुख्य रेखा तक काट रहा है आपको दिखाई दे रहा है ना ये इसको माप लेना है यानी कि मुख्य यहां से लेकर यहां तक इसको क्या करना है माप लेना है ठीक है तो मैं दोबारा बता देता हूं सिंगल ठीक है यहां से लेकर यहां तक पचास डिग्री जहां तक स्पर्श करता है इसको माप लेना है आपने इसको एक्यूरेट जब माप लिया आपने तो आपने पचास डिग्री वाली रेखा को भूलना नहीं है ठीक है इसी रेखा पे आपने क्या करना है एक दो तीन चार अब देखिए जीरो मतलब चालीस पश्चिम से चालीस पूर्वी है देशांतरिक विस्तार तो चालीस के लिए दस डिग्री अंतराल है तो चार ही इधर लगेंगे और चार ही इस तरफ लगेंगे यहाँ पे एक ये देखिए दो यहाँ पे तीन और यहाँ पे चार तो इस रेखा के साथ साथ में घूम जाना है ठीक है तो यहाँ पे चार निशान इस तरफ और चार निशान इस तरफ लग चुके हैं तो अब अपने देशांतरों को भी बना देते हैं पेंसिल की नोक एक ही बार मैंने बोला यहां पे ऊपर रख लेना ठीक है अब मैं स्केल को जिन जिन बिंदुओं से ये मिलकर जा रही है यहां से लेकर यहां तक ये मुझे स्पष्ट दिख रहा है इसलिए रेखा बिल्कुल एक्यूरेट लग रही है यहां से लेकर ये पेंसिल अगर डार्क हो तो ब्लैक पेन से भी करने की जरूरत नहीं है कई बार तो इतना क्लियर दिखता है इसमें ठीक है तो ये देखिए और ये चालीस तो ये मैंने पश्चिमी तो बना दिया अब मैं पूर्वी भी बना देता हूँ पेंसिल की नोक फिक्स है और ये अब ये इसके बाद में यहाँ पर ये और ये लास्ट ये अब आपने जीरो डिग्री यहाँ पे लिखना है ये कितना है बताइए तो ये दस बीस तीस चालीस तो ये पूर्वी है दस बीस तीस चालीस तो ये पश्चिमी है अब आपने पचास डिग्री का तो पहचान नहीं लिया चालीस तीस तो यहाँ पे अपने लिख सकते हैं लेकिन इससे पहले एक बार इसको अपने क्या करेंगे इरेज तो पचास वाले को भी इरेज कर देते हैं फिलहाल तो एक्स्ट्रा ही है वो ठीक है तो आपने तो यहाँ पे पचास है तो इसको एक बार हम क्लियर पचास फिर ये चालीस ये तीस ये बीस और ये दस तो ये पचास के बाद में ये साठ ये सत्तर ये अस्सी ये नब्बे डिग्री यानी कि नॉर्थ और ये भी दस डिग्री नॉर्थ ही है तो आपने अक्षांश को कंप्लीट कर लिया है इस रेखा को भी नीचे से ऊपर की तरफ मिटा देना आप तो ये आपके सामने प्रोजेक्शन एक मानक अक्षसांस वाला संकवाकार पक्षेप बन के तैयार हो गया तो मानक अक्षांश कौन सा है ये पचास तो यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड पैरेलल इसके अंदर से लिख देना छोटे छोड़ छोटे अक्षरों में पेन से ठीक है तो ये आपको अगर वीडियो पसंद आई हो समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद